लखनऊ से ब्रेकिंग न्यूज, केजीएमयू ने संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाला। कोविड वार्डों में करते थे ड्यूटी, एक माह पहले ही की गई थी संविदा कर्मियों की भर्ती। अचानक 100 से अधिक कर्मचारियों को केजीयूएम से निकाला गया। पिछले महीने 8 एजेंसियों के जरिए किया था भर्ती। वापस ज्वाइनिंग होने तक जारी रहेगा धरना। कोरोना संक्रमण कम होने पर स्वास्थ्य कर्मियों को निकाला, स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप। सीनियर डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं है अब कोविड वार्ड में मरीज, तो अब आप लोगों की ज़रूरत नहीं रही। ज़रूरत पर इस्तेमाल कर लगभग 100 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को निकाला। केजीएमयू के रजिस्ट्रार ऑफिस का घेराव कर रखी मांगे। वार्ड बॉय, स्वीपर, हेल्पर को काम से निकाला। प्रदर्शन करने वाले कर्मियों का आरोप, 20,000 से 50,000 तक मांगी गई थी रकम। पैसे लेकर परमानेंट करने का दिया था आश्वासन। अपने परिवार की फिक्र ना कर कोरोना महामारी में कोविड मरीजों की देखभाल की। कोरोना महामारी में बड़े डॉक्टर नहीं आते थे कोविड वार्ड में, प्राइवेट कर्मियों से कराते थे कोविड वार्ड कोरोना के मरीजों की देखभाल। इनकी सरकार से मांग, वार्ड बॉय, स्वीपर, हेल्पर को दिया जाए काम। कोविड ड्यूटी से हम लोग को परमानेंट ड्यूटी करके रखा गया यहाँ पे, और अभी 1.5 महीने की, जबकि 3 महीने का कोविड ड्यूटी दिया गया था, फिर भी 1.5 महीना भी नहीं हुआ, ना भी नहीं हुआ, हम लोग को नोटिस आ गया है 31 लिखित में दे दिया गया है कि 31 के बाद आप लोग ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। और उस पर भी जब कोविड का ड्यूटी हम लोग का कराया गया, 12-12 घंटे किट पहनाया गया और बोला गया मैनेज करिए, आप लोग को इसीलिए रखा गया। वन पेयर ग्लव्स में हम लोग से 12 घंटे ड्यूटी लिया गया, फट जाता था, माइक्रोपोर्स में चिपका के करते थे। उसके बाद भी आज हम लोग का ये कंडीशन हो रहा है कि हम लोग की ड्यूटी के लिए भी कोई नहीं सुन रहा है। 31 तक की ड्यूटी, उसमें भी सैलरी का नहीं पता है। हमने 1.5 महीने ड्यूटी का, आज भी 1 रुपया सैलरी नहीं आया हम लोगों का, और कह रहे हैं कि जहां जाना हो चले जाओ, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे आप लोग, 31 के बाद आप ड्यूटी नहीं करोगे। ये बीसी से, बीसी की तरफ से, रजिस्ट्रार की तरफ से, और जो सिक्योरिटी है उसकी तरफ से ये बोला गया है। हमको मिश्रा सिक्योरिटी की तरफ से रखा गया है। मिश्रा सिक्योरिटी ने हमें जवाब दिया कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये रजिस्ट्रार और बीसी ने कह दिया कि अब हम नहीं रख सकते, हम 31 तारीख तक ही सैलरी दे पाएंगे, इसके बाद हम नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ अखबार।